स्टेप सीखे और क्या सीखा और स्टेप सीखे उनको किस तरह से हैंडल करना है। हाँ ये सारे ऑप्टिकल्स आएंगे उनमें बाधाएं को कैसे हैंडल करना है उसे पहले लिख लिए। हाँ। इसके बारे में वो हैंडल ऑप्टिकल्स जो बाधाएं हैं उनको कैसे फेस करना है किस तरह से करना है वो पहले लिख लिए। लिखने के बाद जो वो है ना ये ऑब्स्टिकल्स को लिखने के पीछे राज ये है कि जब आदमी गोल सेट करता है तो उसे लगता है कि कोई बाधाएं आने वाली नहीं है। आपका नाम क्या है लाल वाला? अमित। अमित जब हम गोल बुक लिखते हैं तो हम लोग बाधाएं देखते भी नहीं है। तो एक टाइप का बाधा ये होता है कि जो गोल के अंदर ही बाधा होती है। आपने लिख दिया कि मुझे 1,00,000 आदमी लाना है लेकिन उसमें बाधा नंबर 1 ये है कि मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं है, मेरे पास तो स्किल ही नहीं है, मेरे पास तो आदतें नहीं है, मैं तो सुबह उठता नहीं हूँ, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, मैं तो सुनता नहीं हूँ। तो ये तो मेरी बाधाएं नंबर 1 तो ये है, या मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो ये सब बाधाएं तो पहले ही अपने को हर गोल में, हर गोल की बाधा अलग होती है। आर यू विद मी? हर गोल की बाधा अलग होती है। यानी कि आपको अगर आपको कोई कैपेबिलिटी बिल्ड करना उसका बाधा अलग होता है। आपको अगर 1,00,000 आदमी की टीम या 50,000 की टीम बिल्ड करनी है उसकी बाधा अलग होती है। हर चीज़ की बाधाएं अलग अलग होती हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए वो गोल बुक में हमने 10-10 पेज छोड़ा था, याद है आपको? 10-10 पेज क्यों? क्योंकि एक गोल लिया, एक गोल का डेडलाइन लिखा, एक गोल लिया उस डेडलाइन के बाद उस गोल के लिए मैं अपना कहाँ कहाँ पर डेवलपमेंट करूँगा, उस गोल के लिए मुझे किस टाइप के लोगों से मिलना पड़ेगा, उस गोल के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। तो उस एक गोल के लिए 7 स्टेप। फिर मुझे क्राउन डायमंड भाई है, मतलब क्राउन एम्बेसडर बनना है, उसके 7 स्टेप। फिर मेरे को रणवीर सिंह से शादी करना है तो उसके 7 स्टेप कि कब तक करना है, रणवीर सिंह से शादी कब तक करना है, उसमें क्या क्या बाधाएं आएंगी, अब उस बाधाओं से बाहर निकलने के लिए मैं क्या क्या करूंगी, और फिर मेरे को क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन करना पड़ेगा। यानी हर गोल के लिए 7 स्टेप आपको लिखना है, हर गोल के लिए। और आपका जितने भी साथ में काम करने वाले लोग हैं, डाउनलाइन है, उनसे ये लिखवाना बहुत ही जरूरी है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद हम लोगों ने यस सर DIKW बहुत इंपॉर्टेंट है। DIKW कई लोग बोलते सर आपका CD सुन लिया मैंने सेलिंग स्किल्स के ऊपर। मैंने आपका CD एक बार सुना है। एक बार सुनने से मेरे को तो 35 साल लगा वो पूरा बना के उसको एकदम क्रिस्प तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन में और चम्मच में मैंने आपको दिया। आपको वो चम्मच खाली करके 5 लीटर के बकेट में डाल के उसको लिख लिख के, जब भी मैं कोई बुक पढ़ता हूँ 200 पेज की, मैं करीबन 1,000 पेज लिखता हूँ। जब भी मैं कोई CD सुनता हूँ 4 घंटे की या 3 घंटे की कोई CD सुनता हूँ, उस CD पे मैं कम से कम 150 से 200 पेज लिख लेता हूँ। उसके बाद उस CD में जो बताया है वो मार्केट में जाके करने की चक्कर चलाता हूँ। फिर मैंने लिखा हुआ चीज पे मैं फिर गौर फरमाता हूँ कि मैंने ये नहीं किया। जब तक मुझे वो मास्टरी नहीं मिलती, जब तक मैं वो कर नहीं पाता, वो रेशियो पे पहुंच नहीं पाता, तब तक मेरा काम चालू है। तो हमने DIKW के बारे में सीखा, हमने गोल सेटिंग के बारे में सीखा, हमने फिर अमित ने जब क्वेश्चन पूछा तो हमने कहा कि फ्यूचर एक फार्म है और फ्यूचर फार्मर हमें बनना है और हमें अलग अलग टाइप के बीज को बोने हैं। सबसे पहला बीज कौन सा था? सबसे पहला वाला कौन सा था? इमीडिएट तत्काल जो गोल है वो, उसके ऊपर अगर आप काम नहीं करेंगे, जो इंसान आज का काम आज ना कर सका वो इंसान क्या डाउनलाइन की जिंदगी बनाएगा? वो इंसान क्या खुद की लाइफ बना सकेगा? उसको आज ही नहीं उठने होता, वो आज ही 1 घंटा CD नहीं सुन पाता, वो आज ही अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाता, तो वो किस तरह से जिंदगी में आगे बढ़ सकता है?
दूसरी वाली जो थी वो था दुरुस्ती गोल, दुरुस्ती यानी रिपेयर करना। चीजें टूटते जाएगी जिंदगी भर, कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहता। बीवी है तो डिवोर्स होगा, बीवी है तो भाग सकेगी, बच्चे हैं तो कैंसर होगा, मामा है तो हड़पेगा, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा और इसमें अपना कोई हाथ नहीं होता। मामा ने प्रॉपर्टी ले लिया, इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है। हमें रातों रात ये देखना है कि हमें अगला प्रॉपर्टी कैसे बनाना है। या तो हम मामा को उठा लेते हैं या फिर अपने अलग से बना लेते हैं फटाफट, लेकिन हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है कि अल्लाह ये मेरे साथ मामा ने ये किया। टाइम नहीं है, यू नो, फटाफट दुरुस्त करना है। दुरुस्ती गोल, दुरुस्ती का मतलब है अगर टीम टूट गया तो रातों रात टीम को बिल्ड करना है। एक जमाने में मैं जब 29 मेंबर का टीम चलाता था यूरेका फोर्ब्स में, मैंने एक डिसीजन ले लिया, उस डिसीजन के वजह से मेरे 29 के 29 लोगों ने साथ में मिलके एक रेजिग्नेशन लेटर में हरामी लोगों ने रिजाइन कर दिया। 29 ने एक ही पेज में अपना नाम लिखा, आई राठौड़, आई सो एंड सो, सबने लिखा, नीचे साइन कर दिया। उन्होंने 2 बजे मेरे को दिया, अगला का अगला दिन खत्म होने के पहले मैंने 29 जन का टीम खड़ा कर दिया। मतलब 48 घंटे में मैंने टीम खड़ा कर दिया, 48 घंटे में। मतलब मैं तो रात को घर ही नहीं गया 2 दिन। मतलब अपने दोस्तों को फोन लगाया, मैं बोला यार तेरे टीम में से मेरे को 2 आदमी चाहिए, मेरे को तेरे टीम से, तेरे कंपनी से, तेरे इधर से, इसको फोन लगाया, उसको फोन लगाया, बचपन के यार लोगों को फोन लगाया, कॉलेज के यार लोगों को फोन लगाया, उधर फोन लगाया, अपनी बीवी के बोल, अपने बीवी को बोला, अपने बच्चे लोगों को बोला, इसको बोला, उसको बोला, रातों रात। मतलब मंडे दोपहर को 29 लोग, और इन सबको मैंने सिखाया था, पढ़ाया था। वो मैंने एक डिसीजन लिया एक आदमी को प्रमोट करने का, इस पे 2-3 जन नाराज हो गए, फिर उन्होंने दूसरों को नाराज करा दिया, दूसरे तो समझे भी नहीं कि वो साले रिजाइन क्यों किए। लेकिन वो 27 लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो रिजाइन क्यों किए। लेकिन उस चक्कर में एक चीज साबित हो गया कि नायर साहब ना डरता है ना हिलता है, कुछ भी तुम कर लो वो कुत्ता है। वो रातों रात टीम खड़ा कर, अब ये बात जब कंपनी के अंदर फैल गई, ये बात जब कंपनी के अंदर फैल गई और जब मैं डिविजनल सेल्स मैनेजर बना, सीनियर डिविजनल सेल्स मैनेजर बना, और मैं एरिया सेल्स मैनेजर बना, रीजनल सेल्स मैनेजर, कोई मेरे से पंगा ही नहीं लेता था, क्योंकि उसको मालूम था कि वो गया तो उसका बाप आज रात को नायर पैदा करेगा। क्योंकि मेरे को किसी ने गारंटी नहीं दिया है कि जो भी तुम्हारे पास आज है हमेशा तेरे पास रहेगा, न टीम, न बीवी, न बच्चे। रहते हैं तो आनंद है, नहीं है तो दूसरी जरूर लाऊंगा रातों रात। ये मेरी बीवी को भी मालूम है, ये मेरी बीवी को भी मालूम है। तो ये इतना कुत्ता आदमी है, इसके साथ नाटक करेगा तो ये शाम को 5 बजे मैं जाऊंगी, 5:30 को दूसरा आइटम के साथ रहेगा ये। और ये पूछ लेना सिंधु को फोन करके कि नायर साहब ऐसा है कि नहीं, 100% उसके मन में ये बात तो रहे, मैं करूंगा नहीं, अलग बात है, वो मेरी दिलदारी है, वो मेरी दिलदारी है। लेकिन उसको ये बात पक्का मालूम है कि संतोष नायर ये कर सकता है। इसीलिए लोग हमेशा मेरे से थोड़ा लंबा ही रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है। अच्छा, दिल से मैं काम करता हूं, मैं दिल से काम करता हूं, मैं दिल से सब कुछ करना चाहता हूं, अननेसेसरी मेरे पास टाइम नहीं है दूसरों की पंगे सुनने के लिए। तो अगर रातों रात रेजिग्नेशन हो गया, कभी लॉस ऑफ की पीपल हो गया, कभी कंप्यूटर ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो कभी मोबाइल गुम हो जाएगा। मैं एक बार प्रोग्राम खत्म किया था पूना में, प्राइड होटल में, पूना से कुछ लोग हैं यहाँ पर, पूना में प्राइड होटल में मैंने प्रोग्राम खत्म किया, 5:00 बज गए थे, 6 बजे मैं निकलने वाला था, सुसु करने चला गया, सुसु करने के बाद वो फ्लश कुछ दब नहीं रही थी, तो मैं ना लेस बांध रहा था, मैं वो टाइम पे लेस डाला हुआ था जूते जो लेस वाले थे, वो ऐसा मैंने लेस बांधा और मैंने वो उसको भी दबा दिया, क्या बोलते फ्लश को, और साली मोबाइल नीचे गिर के उसके अंदर गई और चली गई, मेरे सामने विदा हो गई।
मतलब ये मूतने का पनिशमेंट है। हमने सीधा बाहर निकले, मोनिश नायर बोल के अपना एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होता था, मैं बोला तेरा फोन दे मेरे को। मैंने फोन लिया, मेरी बीवी को फोन लगा सिंधु को, मैं बोला देख मैं पूना से अभी निकल रहा हूँ 6 बजे, नोकिया 6110 काली कलर की, तुझे लेना है अभी जाके दुकान, सब काम छोड़ दे अभी का भी दुकान चली जा और तुझे वहां से ये लेना है। वहां से दूसरा फोन लगाया, लक्ष्मी बोल के हमारी डेप्यूटी जनरल मैनेजर होती है, उसको फोन लगाया। मैं बोला तू एक काम कर, तू मेरी बीवी है। बोले सर नहीं नहीं मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। मैं बोला एक घंटे के लिए तू मेरी बीवी है, तेरा भी नाम लक्ष्मी नायर है, तू वोडाफोन के दुकान में जा और नया सिम का बंदोबस्त कर। बोले सर वो वोडाफोन का तो सिम के लिए 2-4 दिन लगता है। मैं बोला तेरे को मैं एक आदमी से फोन करवाता हूँ। नयन कामत बोल के वोडाफोन में अकाउंट मैनेजर होता था, मतलब GM लेवल पे था, उसको मैंने मतलब उसको फोन लगाया मैंने नयन कामत को। मैं नयन तू वोडाफोन में काम करता ना अभी भी? बोला हाँ नायर साहब। मैं देख मेरा ऐसा गया अभी अभी मूत रहा था ऐसा गया और तुझे एक सिम का बंदोबस्त, तेरा वोडाफोन स्टोर है उधर फोन करना अंधेरी में, वहाँ लक्ष्मी नायर मेरी बीवी बन के जाएगी, वहाँ से मेरी बीवी वो बाजू से दूसरा मोबाइल लेके आएगी, तुझे ये करना। बोला नायर साहब अपना 2 दिन तो लग, मतलब कुत्ते तेरे को साला मैंने 98 में इतना ट्रेनिंग दिया, इतना बड़ा आदमी बनाया ये इस दिन के लिए कि तू मेरे को बोले 2 दिन लगेगा। बोलता सर फोन रखो करवा देता हूँ। मतलब एक चीज समझ में आ गया, गाली देने के बिना कुछ होता नहीं है, ये भी मेरे को समझ में आ। उधर से मैंने अगला फोन लगाया, मैं बोला मोनिश प्रीति का नंबर है? प्रीति का। बोला हाँ प्रीति का। मतलब प्रीति को लगा, मतलब प्रीति अभी देख लक्ष्मी जाएगी मेरी बीवी बन के, वहां से जाके सिम लाएगी, मेरी बीवी जाएगी और एक मोबाइल लाएगी, उसमें तू उसको घुसा देना और जितने नंबर है अपने कंपनी के और डायरी में जितने भी इंपॉर्टेंट नंबर सब घुसा देना, 9 बजे तक पहुंचूंगा तब तक मोबाइल एकदम फिट फाइन चाहिए। सबको काम पे लगा दिया, एक क्वार्टर निकाला, मैं पीते बैठा, अब सब मरवा रहे हैं, हम तो भूल गए, हम तो क्वार्टर मार के मतलब 2 आधा मार के बंबई पहुंचे तो बोले सर ये आपका मोबाइल। मैं बोला अच्छा ये क्या है? तब फिर याद आई तो गई करके, मतलब क्या है करना क्या है, जब भी लॉस होवे तो 3 स्टेप करना है। सबसे पहला स्टेप का नाम है एक्सेप्ट एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। सी जब मोबाइल जाती है ना, 2 चीज जाती है, एक वो गई कौन मोबाइल, और साथ में एक और चीज जाती है कॉन्फिडेंस। जब 10,000 आदमी छोड़ के जाते हैं ना, जब 29 आदमी ने छोड़ा ना एक ही रेजिग्नेशन लेटर में, सिर्फ 29 नहीं जाता साथ में कुत्ती वो भी जाती है, कौन कॉन्फिडेंस, वो हिल जाती है। क्योंकि इंडिया का नंबर 1 ब्रांच मैनेजर का 29 आदमी एक रात में छोड़ दिया, इंडिया में नंबर 1 बन के तो रहना ही है। अब टीम बनाने में 6 महीना 8 महीना लगते हैं मैं जानता हूं, लेकिन रातों रात टीम को खड़ा करना है। तो पहली बात तो ये एक्सेप्ट कर लेना है कि टीम गई मोबाइल गई, ये एक्सेप्ट कर लेना है 100% उस बात। मोबाइल गई, अब क्या तू उसके पीछे पीछे पाइप के अंदर तो नहीं जा सकता ना कि उसके पीछे वो गई साली, उसकी जिंदगी शाम को 5 बजे तक ही थी तेरे साथ और वो परमिशन भी नहीं लेती है जाने के पहले, नायर साहब अलविदा कर रही हूं चल रही हूं ये रास्ते से जा रही हूं, वो बोल भी नहीं रही है, वो तो चली गई। तो वो गई तो साथ में कॉन्फिडेंस, अभी इतने सारे नंबर बिंबर ये वो, अब यू नो, तो 2 चीज जाती है। तो सबसे पहला आपको एक्सेप्ट करना है कि मोबाइल गई टीम गई, 10,000 लोग छोड़ गए, सबसे पहला यू हैव टू एक्सेप्ट एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। अच्छा मेरी खास बात क्या है ना, जब 29 आदमी जब छोड़ के जाता है तो मैं किसी को फोन भी नहीं करता हूँ, ना ही मैं मेरे बॉस को फोन करता हूँ, ना ही मैं मेरे कलीग को फोन करता हूँ, अरे यार मेरे साथ ये हादसा हो गया, ये लफड़ा हो गया, 29 आदमी छोड़ के चले गए, यार ये मोबाइल चली गई, मैं किसी को नहीं बताया मोबाइल गई। वो मेरे और मोबाइल के बीच का रिश्ता था, उसमें तीसरा आदमी को जानने की जरूरत ही नहीं। हम चूतिए क्या करते हैं, हम वो मोबाइल जाते तो पहले इसको फोन लगाया यार मोबाइल चली गई, फिर
चार पांच दिन उसकी स्टोरी सुनाते रहते कि वो मोबाइल गई, वो 29 आदमी गए, वो आदमी छोड़ के गए, वो यार उसने ऑफर दे दिया, ये कंपनी ने ऑफर दे दिया, वो कंपनी ने ऑफर दे दिया, वो आदमी चले गए, ये वो कुत्ता है, ऐसा है वैसे। अपने को टाइम ही नहीं है ऐसे फालतू बात करने का, अपने को रातों रात 10,000 आदमी खड़ा करना है। आर यू विद मी? हमारे को टाइम ही नहीं है बॉस, क्योंकि जो गई वो गई, जिसका नसीब था वो मेरे साथ है, और यही अपना फिलॉसफी रहा है। सो सबसे पहला तो आपको एक्सेप्ट करना है और बिल्ड करना है कॉन्फिडेंस। नंबर टू स्टेप, आपको फटाफट एक टीम को लगाना है, एनलिस्ट एंड बिल्ड अ टीम एंड सीक सपोर्ट, जहां जहां से आपको सपोर्ट मिल सके, जहां जहां से सपोर्ट मिल सके। लक्ष्मी को फोन किया, उसका सपोर्ट लिया, प्रीति को सपोर्ट, उसको फोन लिया, मोनिश नायर का मोबाइल लिया, उससे सपोर्ट लिया, अपने बीवी को फोन किया, उसका सपोर्ट लिया, जो मिल सके सबको ले लो। लेकिन नशा उतरने के पहले मोबाइल आना चाहिए, बात खत्म। अच्छा, सेम कलर, हाँ, मेरी एक आदत है संतोष जी, मतलब वो 6110 गई तो वो बोलता नया पीस आया है 6112, नहीं 6110 ही चाहिए और काला कलर ही चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि जब वापिस उठाऊंगा अगर वो नया सफेद कलर का है तो फिर वो याद आएगी, वो कुत्ती गई करके। वो याद भी नहीं आना चाहिए। सेम मॉडल, सेम ये लेटेस्ट और मॉडल है, तुम्हें नहीं लेना, चार दिन के बाद ले लूंगा, लेकिन अभी नहीं लूंगा। अभी तो दुरुस्त करना है, अभी तो रिपेयर करना, अभी तो रिकवर करना है। रिकवरी भी बोल सकते हैं, रिपेयर भी बोल सकते हैं, रिस्टोर भी बोल सकते हैं, दुरुस्ती बोल सकते, जो नाम से बुलाना बुला लो, लेकिन रिप्लेसमेंट रातों रात होना चाहिए। तो जितना मदद जिसका भी ले ले लेवे। और थर्ड, एक्ट विथ अ लॉट ऑफ स्पीड, जबरदस्त स्पीड के साथ, फटाफट फटाफट। यार मेरे को दो आदमी भेजे, मेरे को यहाँ दो आदमी, इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, इधर करो, उधर करो, दोस्तों को बात करो, अपने यार को फोन करो, इधर जाओ प्लेसमेंट एजेंसी में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन रातों रात काम को खत्म करो। और ये कलाकारी के बीच को बोना है और इस कलाकारी को उगाना है, इस कलाकारी को नर्चर करना है और इस कलाकारी का फल को काटना है। Are you getting my point? तो एक तो तत्काल की आदत डाल दी, दूसरी दुरुस्त की आदत डाल दी। लाइफ में क्या हो सकता है? किधर गया अपना अमित, समझा कि नहीं? तो तू बोलता ना, जो प्लान नहीं किया वो हो गया। क्या हो गया? तेरी भी भाग गई, इसमें कौन सी बड़ी कांड हो गई? उसके पहले भी तेरी लाइफ चलती थी, अभी वो गई तो उससे अच्छा भी एक दूसरी मिल सकती है। ऐसा मान के चलो 10,000 गए तो उससे अच्छा वाला टीम को हम खड़ा करेंगे और रातों रात करेंगे। देखिए, मैं ऐसा बीवी बी की बातें कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा हूँ, यू नो, कि मैं किसी को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, या किसी का हस्बैंड भी हो सकता है या जो भी है, लेकिन मुद्दा ये है कि रातों रात रिपेयर कीजिए। एक्ट विथ अ लॉट ऑफ स्पीड, और वो टाइम पे ही कर लेना है। रह गया ना वो बात और चार दिन हो गई ना, फिर उसका दुख बढ़ता जाता है। एंड दूसरा, किसी से कंप्लेन नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने सुबह भी कहा, कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट एंड क्रिएटर्स डोंट कंप्लेन। क्या कहा मैंने? कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट एंड क्रिएटर्स डोंट कंप्लेन। जो क्रिएट करता है ना नया 10,000 का टीम, कंप्लेन नहीं करता, और जो कंप्लेन करता ना वो क्रिएट करने का ताकत गवा बैठता। आर यू विद मी? तो जब मैंने सुबह कहा ना, कंप्लेनिंग टेक्स अवे योर पर्सनल पावर टू सॉल्व प्रॉब्लम। जब आदमी कंप्लेन करता उस मोबाइल के बारे में, उस 10,000 के टीम के बारे में, 29 आदमी का टीम का टूट जाने के बारे में जब आदमी कंप्लेन करता, तो आदमी अपना पर्सनल पावर गवा बैठता है। आदमी वैसा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आदमी 10,000 आदमी को एक रात में उठा सकता है, और टीम है तो टूटेगी, रिश्ते है तो टूटेंगे, माल है तो ठुकेगी, गाड़ी है तो ठुकेगी, या तो कोई ठोकेगा या हम ठोकेंगे, बस रिपेयर करना, रिपेयर करना रातों रात।
तीसरा जो है फिर मैं आगे दूसरा सब्जेक्ट पे जाऊंगा। तीसरा जो है रिनोवेशन गोल यानी काबिलियत गोल। दूसरी, हमने बड़े बड़े गोल तो सेट कर लिए लेकिन हम सेम रह के वो मर्सिडीज लेना चाहते हैं। मैं वही हूँ और मुझे मर्सिडीज चाहिए। अगर मैं वही हूँ जो था और आजकल मैं DTDC में, क्या बोलते हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट में घूम रहा हूँ, मैं वही हूँ, मैं सडनली कैसे मर्सिडीज में जा सकता हूँ? मेरे में कुछ काबिलियत, कुछ कैपेबिलिटी तो बिल्ड होना चाहिए। आर यू ऑल विद मी? तो कैपेबिलिटी तो बिल्ड करनी पड़ेगी ना। तो तीसरी जो गोल है, लगातार इसकी बीज को बोना है, नई कैपेबिलिटी की बीज बोना है, नई कैपेबिलिटी को उगाना है, नई कैपेबिलिटी को नर्चर करना, और नई कैपेबिलिटी का जो फायदा है उसको काट के खाते रहो। ऐसे 12 गोल है। आज मैंने 3 के ऊपर बात की। आपको ज्यादा जानना है तो मेरे फ्यूचर मल्टीप्लायर बोल के CD है, वो 4 घंटे का है, उसके ऊपर आप जाके उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो रिनोवेशन गोल यानी जो है उसकी पूरी इस्तेमाल करो, और जो नहीं है उसे लाने की कोशिश करो। जो काबिलियत है उसका पूरा इस्तेमाल करो, और जो नहीं है टीचर, जो नहीं है हाउसवाइफ, जो नहीं है एक्टर, उसे लाने की कोशिश कर। जो काबिलियत तुझ में नहीं है उसे लाना है। जो काबिलियत तुझ में नहीं है वो तुझे लाना है, और तब जाके गोल सेटिंग हो सकता है। अगर ये 3 चीजें अमित तूने अगर याद रखा तो कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम आवे तो तू फेस कर सकेगा। लेकिन ये तेरे DNA में, तेरे पर्सनैलिटी में परमानेंटली फिक्स होने चाहिए। जैसे 35 साल से मैं आज का काम आज ही करता हूं, 35 साल से मैं कोई भी चीज खराब हो गया उसे रातों रात रिपेयर करता हूं। मेरे घर में जितने मैंने कईयों का घर में देखा, 25 बल्ब रहते हैं जब घर बनती है, फिर एक बल्ब जाता है, एक बल्ब जाता है, वो बनाता नहीं है। मेरे घर में आज मेरे घर को रिनोवेट करके 10 साल हो गए, लेकिन अगर एक बल्ब गया ऑन द स्पॉट उसको रिपेयर करना है, एक नल का वॉशर गया ऑन द स्पॉट, मतलब कुछ भी है ऑन द स्पॉट उसको सेट कर देना है। कोई चीज खराब नहीं रहनी चाहिए। आप बोलेंगे 3 नल है, 2 में तो आ रहा ना पानी, तो तीसरी की क्यों मरवानी है? फिर 2 बंद हो जाती है तो बोलते हैं एक में से तो पानी आ रहा ना, पानी चाहिए ना अपने को। लेकिन ये जो है ना, इसमें होता क्या है, बाद में ये तेरी आदत बन जाती है। क्या कि 3 आदमी है, एक गए तो बोले 2 तो है, फिर एक गए तो बोले 1 तो है, फिर एक गया तो फिर तेरे को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। इसीलिए जो चाहिए उसको जल्दी से लाइए और उसको काम पे लगा दीजिए। तो काबिलियत बढ़ाइए, कम्युनिकेशन स्किल्स हुआ, लीडर डेवलपमेंट की स्किल्स हुई, ऑडियो वीडियो सुनने से, रेगुलरली 1 घंटा सुनने से आपकी काबिलियत बनी रहेगी। तो काबिलियत का बीज को बोइए, उसको उगाइए, उसको नर्चर कीजिए, उसका फल उठाइए। नई नई काबिलियतें बिल्ड करते रहना है आपको जिंदगी भर। इससे क्या हो जाता है, आपका फाउंडेशन रॉक सॉलिड हो जाता है। आपका जो फाउंडेशन हो बहुत रॉक सॉलिड हो जाता है, और नई और बड़े चैलेंज के लिए आपका बॉडी और माइंड प्रिपेयर हो जाता है। नई और बड़ी चीजों के लिए आपका बॉडी प्रिपेयर हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है काबिलियत के लिए। प्रिपेयर योरसेल्फ टू टेक बिगर चैलेंजेस। क्योंकि आप बोल रहे मर्सिडीज, मर्सिडीज इज अ बिगर चैलेंज। आप बोल रहे मेरे को क्राउन एम्बेसडर बनाओ तो बड़ा चैलेंज, आप तो सिल्वर पे बैठे, वो तो बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए आपको आपको आपका फाउंडेशन तो मजबूत कीजिए, आप लगातार अपने काबिलियत को तो बढ़ाइए, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी काबिलियत के बढ़ने के वजह से आपके नजरों के सामने से कोई अपॉर्चुनिटी जाती नहीं। काबिलियत है नहीं, अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है। अपॉर्चुनिटी 3 लाख रुपए महीने का है। समझो टीचर है, टीचर को 3 लाख रुपए महीने का कमाना है तो टीचर 3 लाख रुपया कमा सकती है। अपॉर्चुनिटी तो है, अपॉर्चुनिटी है। क्या प्रोडक्ट है? स्कीम है, स्कीम भी है। क्या मस्त पे आउट है? पे आउट भी है। अच्छी कंपनी, अच्छी कंपनी है। कितने साल से? 18 साल से। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन तेरे में काबिलियत नहीं है ना। तू तो टीचर है,
सीएटी कैट, कैट यानी बिल्ली। अब नई काबिलियत बिल्ड करोगे तो फाउंडेशन बनेगी, उस फाउंडेशन में बड़े चैलेंज के लिए तैयार हो जाओगे, उसकी वजह से टीचर के सामने आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को वो कैपिटलाइज कर सकेगा। तो काबिलियत की बीज को बोना है और उसको ग्रो करना है। चलो दो मिनट के लिए कुछ बातें करता हूं। हु वॉन्ट्स फ्री गिफ्ट्स फ्रॉम अस, फ्री गिफ्ट्स फ्रॉम अस। अरे इतने हरामी लोगों को साथ में मैंने नहीं देखा। ओके, सो आई एम गोइंग डिजिटल, आई एम गोइंग डिजिटल, एंड सो इफ यू वॉन्ट द गिफ्ट्स, हम लोग आपको बेचते रहेंगे न्यूज लेटर ये वो करके। टेक योर फोन इन योर हैंड, टेक योर फोन इन योर हैंड, अपना फोन लीजिए। और किधर गई, हाँ टाइप करो उसमें santoshnair.in, लग गई, कर दिया, ओके वेरी गुड। यू नो जिसने नहीं किया वो कर ले, वे अपना नाम ईमेल मोबाइल नंबर डाल दो। दीप्ति यू हैव टू सेंड समथिंग टू देम, द लकी विनर्स विल बी गेटिंग सीडीज टुडे। ओके वंडरफुल। अच्छा दूसरा, हु वांट्स गिफ्ट ऑफ नॉलेज, गिफ्ट ऑफ नॉलेज, ओके वंडरफुल। अभी ये काबिलियत गोल की बात हो रही थी इसीलिए मैंने यहां पर इसको डाला है। यू नो मेरा हमेशा पूछता हूँ, वुड यू लाइक मी टू ट्रेन यू गाइज मोर, या मोर, या क्योंकि रोज रोज तो यहाँ पर मेरे को बुलाया नहीं जा सकता, बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है, रोज नहीं बुलाया जा सकता है। एंड देयर फोर आई गॉट द की टू द वॉल्ट, जो जो तिजोरी है उसके बाद चाबी है मेरे पास। और मैं यू नो पिछले साल में यू नो हु वुड लाइक टू हैव दिस की, हु वुड लाइक टू हैव दिस की, वंडरफुल। यू नो पिछले साल में दिस इज द की You will have me training you every day. मेरे 5 CDs है जो आपको regularly देने हैं, देखने हैं, जो अभी नए बनाए हैं वो MLM के लिए बनाए गए हैं। And therefore मैं आपके साथ ये CD के माध्यम से regularly पढ़ा रहूँगा। You know, so you will be having me training you every day digitally through these CDs, being made available online. अभी 5 CDs है, एक का नाम है द कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्किंग। इससे एक नेटवर्कर अपना फाउंडेशन कैसा बनाता है इसके बारे में ये सीडी है। दूसरी, एक अच्छा लीडर कैसे बनता है। पहला तो फाउंडेशन बनाना, लेइंग द फाउंडेशन। तो हर आदमी के पास ये सीडी होना चाहिए, लेइंग द फाउंडेशन। बाद में एक बहुत ही बढ़िया लीडर कैसे बनते हैं ये सीडी आपके पास होना चाहिए। और ये कोई कंपनी के लिए नहीं था, ये मैंने सभी नेटवर्कर बैठे हुए थे 2000 उनके सामने बनाया था, कोई कंपनी का नाम नहीं लिया गया है। तीसरा सीडी है एक जबरदस्त टीम कैसे बनाना है, इसमें मैंने वो फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग नॉर्मिंग परफॉर्मिंग जो 4 स्टेप होते हैं टीम को बनाने का उसके बारे में मैंने बात किया। एक सुंदर महा अद्भुत सीडी है जिसका नाम है कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर, बहुत बढ़िया कम्युनिकेट कैसा करना है इसके बारे में है ये सीडी। और एक सीडी है सेलिंग के बारे में। तो देखिए, एक है फाउंडेशन, तो अपने पास जब नया लड़का लड़की आता है उसका फाउंडेशन बनाने के लिए एक सीडी, एक सीडी वो आदमी में टीम बिल्डिंग कैसे कर, लीडर कैसे बनते हैं। तो एक है आदमी को लाया, लीडर कैसे बनते हैं। तीसरा, टीम कैसे बनाते हैं। चौथा, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। और पांचवा है सेलिंग कैसे करते हैं। ये 5 चीजें मेरे ख्याल से 4-4 घंटे के, तो 20 घंटे के ये 4 CD YouTube वगैरह में बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन YouTube में मेरा एक एक CD का 10-20 मिनट होता है, लेकिन ये पूरे 4-4 घंटे की CD है। इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है, द इन्वेस्टमेंट यू नो फॉर गेटिंग ट्रेंड बाई मी ऑन दिस 5 life transforming वीडियो इज, इसमें इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली 8,000 रुपये की प्लस GST। लेकिन आज इसी वक्त ये 8,000 रुपये की जो 5 CD है, इट इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल टू यू एट जस्ट ए थ्रो अवे इन्वेस्टमेंट ऑफ 999, सो 999 रुपये में प्लस GST का जो अमाउंट है वो आप डाल दीजिए। और यू गो टू दिस लिंक,
called santoshnair.in/offer. santoshnair.in/offer. You have to click on the link and make the payment. And ये आज के लिए अवेलेबल है, just 24 hours, you know. अच्छा, जिसको एक्सेस नहीं हो रहा है, those who can't access the link or whatever, वहाँ बाहर मेरे लड़के लड़कियाँ खड़े काउंटर में, वहाँ जाके उनको बोल दीजिए, वो आपका रजिस्ट्रेशन लेके आपके साथ काम करेंगे. ओके ओके, चलिए अब क्या सीखना है? कामसूत्र किसने बोला? अरे उसमें तो मेरी एक्सपर्टाइज है, उसमें तो मैं वत्सयानों को मार दूं. ओके, सम ऑफ द रिक्वेस्ट जो मेरे को आया है वो ये है कि कुछ सेलिंग के बारे में सिखाइए. कोई सीखना चाहता बेचने की कलाकारी के बारे में? मतलब क्या फ्री में मिले तो सब सीखना है. ओके, सेलिंग. नाउ टेल मी, इज सेलिंग एन आर्ट और अ साइंस? इट्स एन आर्ट. आर्ट, आर्ट. कितने लोग बोलते हैं आर्ट है ये? हाथ ऊपर कीजिए. ओके, कितने लोगों को लगता है ये साइंस है? कितने लोगों को लगता है ये दोनों है? वंडरफुल. तो जितने भी लोगों ने कहा आर्ट है वो भी सही है, जितने कहा साइंस है और जिसने कहा ये दोनों है बिल्कुल दुरुस्त है, बिकॉज सेलिंग एक साइंस है और एक आर्ट है. वो एक कला है और एक शास्त्र है. शास्त्र यानी साइंस. कैसे करेंगे वो कला अनुसार शास्त्र को, वो है आर्ट. तो सेलिंग जो है वो एक साइंस है और एक आर्ट है. और बहुत साल पहले मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया सेलिंग का साइंस का नाम है स्पैंको. स्पैंको, जोर से बोलिए. सबसे पहला उसमें आता है सस्पेक्टिंग, दूसरा प्रोस्पेक्टिंग, तीसरा अप्रोच, चौथा नेगोशिएशन, पांचवा क्लोजिंग, छठवा ऑर्डर. जोर से बोलिए. नंबर वन सस्पेक्टिंग, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स. जोर से बोलिए. नंबर वन. जोर से बोलिए. नंबर वन. जोर से बोलिए. नंबर वन सस्पेक्टिंग, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स. तो सस्पेक्टिंग, कभी भी किसी को मिलने को जाने के पहले, कोई भी मीटिंग में जाने के पहले, कोई भी जगह पे जाने के पहले, मैं बहुत जल्दी उसको करना चाहता हूँ, बहुत ही जल्दी सस्पेक्टिंग. सस्पेक्टिंग क्या होती है? सस्पेक्टिंग होती है द आर्ट ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड मेंटल कैलकुलेशन. कहीं पर भी जाने के पहले मेंटल कैलकुलेशन करते हैं हम लोग. सस्पेक्टिंग, मैं मीटिंग लेने जा रहा हूँ, मीटिंग में कितने आदमी होने वाले हैं, मीटिंग में मेरे को क्या क्या चीज़ लगेगी, मीटिंग में मेरे को किसको किसको खड़ा करके बुलवाना है. तो ये पूरा जो कलाकारी है इसको सस्पेक्टिंग बोलते हैं, द आर्ट ऑफ मेंटल कैलकुलेशन. मैं कोई भी जगह पे जाने के पहले मैं पूरी तरीके से तैयारी करता हूँ. जैसे एक टाइगर अटैक करने के पहले खाड़ी में या वो घुपचे में या किधर ना किधर वो कॉर्नर में जाके खड़े रह के सस्पेक्टिंग करता है. वो एक कलाकारी है, तैयारी कर रहा है अटैक करने के पहले. इसको सस्पेक्टिंग बोलते हैं. प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है आइडेंटिफाई द मैन. मैन यानी मनी, अथॉरिटी, नीड. मैं किससे मिलने जा रहा हूँ? क्या वो आदमी के पास पैसे हैं? क्या वो आदमी के पास पैसे हैं? क्या वो आदमी के पास अथॉरिटी है? क्या वो आदमी के पास नीड है? तो मैं किसको मिलने जा रहा हूँ? हो सकता है मैं एक आदमी को मिलने जा रहा हूँ जो अपनी बीवी से पूछे बिना कभी कोई डिसीजन लेता नहीं. तो अगर उसकी बीवी नहीं है तो अथॉरिटी वो बीवी के पास है, या जॉइंट अथॉरिटी होता है, बीवी के साथ है. तो अगर आप हस्बैंड को अकेले मिलेंगे तो आपको सेल करना मुश्किल हो जाएगा. इसके लिए आपको हमेशा कोई भी आदमी को मिलने के पहले ये देखना है कि क्या उसके पास पैसे हैं. पैसे हैं तो वंडरफुल. क्या उसके पास अथॉरिटी है वो पैसे देने का? और अगर नहीं है तो किसके पास अथॉरिटी है? और क्या उसके पास नीड है? और नीड नहीं है तो हमें क्रिएट करना है. हमें क्रिएट करना है.
जब हम किसी को मिलने जाते हैं, वो टीचर को हम मिलने जा रहे हैं, हम टीचर को मिलने जा रहे हैं, हम वो यू नो वो एक्ट्रेस जो बनना चाहती है नेटवर्कर उसको मिलने जा रहे हैं, या हम वो हाउसवाइफ को मिलने जा रहे हैं, तो जाने के पहले हमें सस्पेक्टिंग करना है कि मैं जो लेडी को मिलने जा रहा हूँ क्या वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेगी, क्या वो मेरे को मेरा प्रेजेंटेशन उसके हस्बैंड के सामने देना पड़ेगा। तो सस्पेक्टिंग इज द आर्ट ऑफ मेंटल कैलकुलेशन, प्रोस्पेक्टिंग इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द मैन। मनी किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है, नीड किसके पास है, इसको प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। कभी भी मैं जब भी कोई सेल्स कॉल में जाता हूँ, आज भी मैं जाता हूँ, लास्ट हफ्ते में भी मैं सेल्स कॉल में गया, मैं किसी को भी मिलने जाता हूँ तो पहले मैं देखता हूँ कि जिस आदमी को मिलने जा रहा हूँ क्या वो डिसीजन ले सकता है। वहाँ जाने के पहले मैं पूरी तरीके से तैयारी करता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन तैयारी करता हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन अगर लैपटॉप में है और अगर लैपटॉप मेरा ख़राब होने वाला है तो क्या मैंने पेन ड्राइव में उसको ले लिया है, मैं पूरी तरीके से करता हूँ। अभी ये मेरा ये है, मैं यहाँ पर आने के पहले मैं सस्पेक्टिंग करता हूँ कि ये ख़राब हो गया, इसका बैटरी नहीं है तो बैटरी मेरे पास है, ये ख़राब हो गया तो मेरे पास दूसरा भी है, ये वाला भी ख़राब हो गया तो मेरे पास दूसरा वाला है, ये प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है तो मेरे पास बैकअप है। ये एक कलाकारी, एक सेल्समैन की, कोई भी जगह पर जाने के पहले, कोई भी जगह पर जाने के पहले मैं हमेशा एक सेट कपड़े, यू नो अगर मैं सुबह दिल्ली जाके शाम को भी आने वाला हूँ तो एक सेट कपड़े मैं अलग से रखता हूँ, क्योंकि कभी यू नो मैं बैठा हूँ, मेरे ऊपर एरोस्ट्रस गिर गई, मेरे कपड़े ख़राब हो गए और वाइट कलर का शर्ट है और मेरे को ट्रेनिंग लेना है, तो मैं ये सस्पेक्टिंग करता हूँ कि एरोस्ट्रस मेरे को देखेगी तो या तो जानबूझ के गिरेगी या फिर अनजाने में गिरेगी, दोनों वेलकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी शर्ट जो ख़राब होगी तो मेरे पास शर्ट भी होना चाहिए। तो सस्पेक्टिंग, मैं कोई भी काम करने के पहले सस्पेक्टिंग करता हूँ और ये मेरे अंदर आ गया है कम्प्लीटली। कोई जगह पे जाने के पहले किससे मिलना है, वो क्या बोलेगा, अच्छा वो बोलेगा नहीं तो मैं ना अपने, मैं फ़ोन करने के पहले भी सस्पेक्टिंग करता हूँ। मैं किसी को फ़ोन करता हूँ और मेरे को अगर उसका अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो क्या क्या मेरे को बोलेगा और मैं क्या क्या बोलेगा, ये भी मैं सस्पेक्टिंग करता हूँ आज भी 35 ईयर्स के बाद। इसीलिए मेरा हर फ़ोन पे मेरे को अपॉइंटमेंट मिलता है, हर आदमी से मैं चेक उठाता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जाने के बाद वो मुझसे क्या क्या बोलने वाला है, वो क्यों अभी नहीं खरीदेगा, वो क्यों बाद में खरीदेगा, कभी अभी उसको नहीं लेना है, वो सब बातें जब वो बोलेगा तो मैं उसको क्या बोलूँगा, ये सब मैं लिख के लेके जाता हूँ, इसको भी सस्पेक्टिंग बोलते हैं। तो पहला वाला दो स्टेप का नाम क्या है, सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग, और उसके बाद आप किसी को मिलने जाते हैं, इसको अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रोच। वहां चार स्टेप होती है। सी मेरा सेल्स मल्टीप्लायर बोल के सीडी में मैंने ये सब बताया है, लेकिन क्विकली मैं ये लेके जाना चाहता हूं। चार स्टेप होते हैं किसी को मिलने जाते हो ना, किसी के घर में, किसी की ऑफिस में, वन टू वन जब भी किसी को मिलने जाते हो तो सबसे पहला आपको करनी है लाउडली, उसके बाद करनी है, उसके बाद करनी है, उसके बाद करनी है। तो मेरे सामने अगर एक आदमी बैठा है तो पहले मैं जाके ओपनिंग करूँगा, उसके बाद मैं करूँगा प्रोबिंग। वैसे ओपनिंग के 8 स्टेप होते हैं लेकिन मैं वो सब अभी यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, खाली मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो टीचर है ना, टीचर और वो जो हाउसवाइफ है, उसको ये सिखाए बिना फील्ड में नहीं भेजना। क्योंकि वो कुछ भी जाके बोल के आ जाएगी और फिर बोलेगी कि सेल नहीं मिल रहा। साइंस ये बोलता है कि सबसे पहले जाके आप अगर बहुत अच्छी तरीके से ओपनिंग करोगे तो तुम्हें मिलेगा कस्टमर का अटेंशन। पहले तो कस्टमर का अटेंशन, हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, टीचर है, टीचर की हस्बैंड बैठी है, या हाउसवाइफ है, हस्बैंड बैठा है, अभी हाउसवाइफ को जुड़वाना है। हमने पहले ही सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग कर लिया। सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग में हमने जिस आदमी ने हमको उसके बारे में बताया, हमने उस आदमी से उसके बारे में पूरा समझ लिया, इसका हस्बैंड कैसा है, वो हस्बैंड आजकल कमा नहीं रहा है, हमने पहले ही समझ लिया। हमारे को जिस आदमी ने इसका रेफरेंस दिया था उसने बोला ये हस्बैंड कमा नहीं रहा है, और
वाइफ जो है हाउसवाइफ है, 20 साल से हैं, इनके दो बच्चे हैं, बच्चे दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, ब्राइट बच्चे हैं, इनका पढ़ाई होना है। ये जिसने हमको ये आदमी का रेफरेंस दिया उसने ये सब बताया, तो ये सब हमारे दिमाग में है। तो हमने वहाँ जाके पहला ओपनिंग किया, ओपनिंग के बाद हमें कस्टमर का अटेंशन मिला, हस्बैंड वाइफ का अटेंशन मिला। फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चन जितना ज़्यादा पूछोगे कस्टमर इंटरेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद ऐसे अटेंटिव और इंटरेस्टेड कस्टमर को हम हमारे कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, हमारे जो पे आउट है, हमारी कंपनी की पूरी गेम हम यहाँ बोलेंगे, यहाँ बोल सपोर्टिंग। यहाँ पर जब हम कंपनी के बारे में, अपने जो सिस्टम है, प्रोसेस है, उसके बारे में बोलेंगे तो उसमें कन्विक्शन आएगा। लेकिन ये करने के पहले हमारे को उनका दोनों का इंटरेस्ट चाहिए, वो करने के पहले हमें दोनों का अटेंशन चाहिए। तो सबसे पहला हमें क्या मिलना चाहिए लाउडली, फिर तो वो मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर तो आप ओपनिंग करेंगे तो कस्टमर अटेंटिव होंगे, आप प्रोबिंग करेंगे तो कस्टमर इंटरेस्टेड होगा, आप सपोर्टिंग करेंगे तो कस्टमर में कन्विक्शन आएगा, आप क्लोजिंग करेंगे तो कस्टमर एक्शन लेगा। तो कस्टमर के घर में जब जाओगे तो आपको चार चीज करना है लाउडली, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। ओपनिंग करोगे तो क्या मिलेगा, प्रोबिंग करोगे तो क्या होगा, सपोर्टिंग करोगे तो क्या होगा, क्लोजिंग करोगे तो क्या होगा। सेल्समैन क्या करता है, ओपनिंग करता है, सेल्समैन ओपनिंग करता है, प्रोबिंग करता है, सपोर्टिंग करता है। कस्टमर किस चीज से गुजरता है, अटेंशन, इंटरेस्ट, कन्विक्शन, डिजायर, एक्शन। एंड देयरफॉर इसका उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, ये साइंस है, साइंस बोलता है इसका उल्लंघन कभी ना किया जाए।